चाचा चौधरी और कच्चे चोर। मोहल्ले के सारे घरों में टीवी आ गया है। एक मैं ही ऐसी बदनसीब हूँ जिसके घर में न टीवी है न रेडियो। अरे तू घबराती क्यों है? उधर तूने हुकुम दिया, इधर मैं टीवी लेकर हाजिर हुआ। हाँ भाई, मुझे एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहिए। वह आपके सामने रखा है। क्यों भाई, इससे भी बड़ी स्क्रीन वाला कोई सेट नहीं है? चाचा जी, लगता है आप टीवी नहीं सिनेमा हॉल खरीदने निकले हैं। अच्छा भाई, इसे पैक कर दो, अभी लो। अरे लोटन, मैं ये ट्रांसमीटर सुनते सुनते बोर हो गया हूँ। मैं देखो चाचा चौधरी नया टीवी खरीद कर ला रहा है। फिर देर किस बात की है, मौका मिलते ही उसका टीवी गायब कर दो। मैंने कहा जब आप गए हुए थे तो पड़ोसी हमें चाय पर बुला गया है। तो फिर चलो, अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई, टीवी हम शाम को देखेंगे। अरे लोटन, चाचा चौधरी और चाची जा रहे हैं, घर खाली है, यही मौका है। चलो, ये भी अच्छा है कि चाचा चौधरी घर को ताला नहीं लगाता, वह समझता है कि उसके घर की कोई चोरी नहीं कर सकता। भागो, आज शाम को अपने घर पर बैठकर चित्रहार देखेंगे। अजी, देखो वे चोर अपने पीछे अपना टीवी उठाकर भागे जा रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, जल्दी में वे चोर अपना ट्रांजिस्टर यहीं छोड़ गए। तुम भी अजीब आदमी हो, 5,000 का टीवी जाने का गम नहीं और 100 रुपल्ली का ट्रांजिस्टर पाकर खुश हो रहे हो। अपना टीवी उस कमरे में पड़ा है, चोर सिर्फ उसका डिब्बा लेकर गए जिसमें मैंने रद्दी भर दी थी। चाचा चौधरी और भूत। मद्रासी बाबू, ये डब्बा लावारिस पड़ा है, क्यों ना हम इसे घर ले जाएं? आई आइयो, आई सब बहुत सारा डब्बा तुमको सड़क पर मिलेगा। अगर तुम सबको घर पर ले जाएगा तो तुम्हारा घर कूड़ा खाना बन जाएगा। अब क्या सोच रहा है मद्रासी बाबू? मुझे लगता है कि वह डब्बा खुद चलकर हमारे पीछे आ रहा है। हमको लगता कि तुम आज भांग पीकर आया। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो खुद पीछे मुड़कर देख लो। आयो, भागो। साबू, आज मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। चाचा जी, आपकी नाक न हुई, वायरलेस हुई। भूत, भूत। कहा? हमने सड़क के किनारे एक पड़ा हुआ डब्बा देखा, जब हम आगे बढ़े तो वह भी चलकर हमारे पीछे पीछे आने लगा। तुम्हें जरूर कहीं कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी एक को हो सकती है, दोनों को नहीं। आइए यो, हाँ हमने भी उसे चलता हुआ देखा, आओ मेरे साथ। वरा, देखो वो चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। मद्रासी बाबू, भूत हमारे बहुत करीब आ गया है, भागो। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे भूत को निकालता हूँ, ये रहा वह। जब वो कुत्ता सो रहा होगा तो किसी शैतान लड़के ने उस पर ये खाली डब्बा रख दिया होगा। जब वह जागा तो अपने को डब्बे में बंद पाकर घबरा गया और इधर उधर डब्बे को लेकर दौड़ने लगा। चाचा चौधरी और बड़ी मछली। अरे साबू, ये क्या है? ये मैंने मछली पकड़ने का कांटा बनाया है, अब मैं हर रोज नदी पर मछलियाँ पकड़ने जाया करूँगा। अच्छा, देखे तुम कितनी मछलियाँ पकड़ कर लाते हो। मैं अभी आया, ये नदी तो मछलियों से भरी पड़ी है। कमाल है, शाम हो गई बैठे बैठे मगर कोई मछली नहीं फंसी। अरे साबू, तुम्हें देखकर आदमी भाग जाते हैं, मछली तो फिर भी एक छोटा सा जीव है। आज तो निराशा का मुंह देखना पड़ा। थोड़ी दूर पर ही एक सड़क पर। आओ, आओ मेरा सोने का।
लेकर भाग रहा है। भाग कर कहाँ जाओगे? कांटा बदमाश की बनियान में अटक जाता है। कच्चे धागे से खींचे चले आएंगे सरकार मेरे। साबुन मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ लौटा था हूँ। और वायदा करो कि आगे से किसी महिला का जेवर नहीं छीनोगे। चाचा चौधरी और डॉक्टर। अरे भाई साबू, आज दिन में ही सुस्ती मार रहा है, क्या बात है? चाचा जी, काफी दिनों से कोई मार धाड़ नहीं हुई, मेरे बाजुओं में जंग लग गया है, इसलिए आलस आ गया है। तू ठीक कहता है, हमारा धंधा मार धाड़ से चलता है। अगर दुनिया में लोग शरीफ बन गए तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? चाचा जी, मेरा कहना मानो, एक डॉक्टर झटका की तरह दवाखाना खोल लो, लोगों की भलाई होगी और पेट भरने के लिए पैसे भी आएंगे। अच्छी बात है। और चाचा चौधरी ने दवाखाना खोल लिया। पहला मरीज आया। हाय, मर गया। चाचा जी बचाओ, कमर के दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे भाई साबू, जरा इन भाई साहब की कमर की दर्द ठीक कर दो। इधर बाहर भेज दो इनको। जाओ भाई। अरे मार डाला, बचाओ। तुम तो मेरी हड्डियों का कचूमर बना रहे हो। मैं तुम्हारी कमर ही तोड़ देता हूँ, न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। अरे बेवकूफ, ये मर जाएगा, छोड़ दे इसको। भागो यहाँ से, ये डॉक्टर है या यमदू? डॉक्टर, हमारा पप्पू पागल हो गया है, क्या तुम पागलपन का इलाज कर सकते हो? क्यों नहीं मिस, तो चलो हमारे साथ। लेकिन मिस, घर जाने की मेरी फीस दोगुनी होती है। तुम पैसे की परवाह मत करो, डॉक्टर हमारे प्यारे पप्पू को बचाओ। ये रहा हमारा घर, पप्पू सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता है, न कुछ खाता है न पीता है, वह रहा मेरा पप्पू। कुत्ता, बाप रे, पागल कुत्ता, जान बचानी है तो भागो। जान बची, ना खो पाए। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब, मुझे साबू की तरह ताकतवर बनना है, ताकि जो कोई मेरे साथ लड़े मैं उसे पटक दूं। मुझे कोई ताकत की दवाई दीजिए। बेटा, इसके लिए फिरंगी दवाई की जरूरत नहीं, फल खाओ और बलवान बनो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फलों के सारे विटामिन छिलकों में होते हैं, इसलिए छिलके जरूर खाना, समझे? समझ गया। दूसरे दिन। ओए, ओए डॉक्टर साहब, जब से मैंने फल के छिलके खाए हैं, पेट में दर्द हो रहा है। कौन से फल के छिलके खाए थे? नारियल के। ये डॉक्टरी अपने बस का रोग नहीं है, डॉक्टर झटका को ही मुबारक हो।